तो दोस्तों आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर धूल चाटती नजर आ रही है, वहीं इसने विदेश में कमाई के मामले में एक नया इतिहास रच दिया है और साथ ही साथ विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर ने भी विदेश में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा और लाइगर के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में और विदेश में इन दोनों फिल्मों ने कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना। तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा को रिलीज हुए 16 दिन हो चुके हैं और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसका क्या हाल हुआ है ये सब तो आप जानते हैं, फिर भी आपको बताते चले कि 180 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 16 दिन में मात्र 60 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई है। अब इसी कलेक्शन से आप इसकी बदनसीबी का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये फ्लॉप साबित हुई है, बिल्कुल उसी का उल्टा विदेश में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है। और आपको बता दें कि विदेशी बॉक्स ऑफिस पर इसने कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 7.5 मिलियन यूएस डॉलर का कलेक्शन कर लिया है और कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। और आपको बताते चले कि इसे चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर भी रिलीज किया जा रहा है और चाइना में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी। और दोस्तों अगर बात की जाए विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे की लाइगर फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन के बारे में, तो जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिंदी और तेलुगु में इसने 20 से 25 करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक 40 से 42 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है और यूएसए बॉक्स ऑफिस पर 3.85 करोड़, नॉर्थ अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर 4.3 करोड़ और कनाडा बॉक्स ऑफिस पर 18 से 20 लाख का कलेक्शन कर चुकी है। फिलहाल इसकी रेटिंग तो बहुत कम है, लेकिन 125 करोड़ के बजट में बनी फिल्म लाइगर बहुत जल्द 150 से 200 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी और ओपनिंग कलेक्शन के मामले में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन से तो काफी हद तक ठीक है। अगर आपने लाइगर फिल्म देखी है वो फिल्म आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।